तो लेट्स नाउ ट्राई टू सी आइंस्टाइन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। सो आइंस्टाइन के हिसाब से फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन रेडिएशन एनर्जी की वजह से होती है, और ये जो रेडिएशन एनर्जी है वो डिस्क्रीट यूनिट से बनी होती है, और इन यूनिट्स को हम क्वांटा ऑफ एनर्जी कहते हैं। सो लेट्स टेक अ मेटल प्लेट। ये जो क्वांटा ऑफ एनर्जी है फोटोन, उस फोटोन की एनर्जी एच न्यू होती है, और वो जब लगता है इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलता नहीं है, इलेक्ट्रॉन तभी निकलता है जब फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन विच इज एच न्यू नॉट से ज्यादा हो। जैसे ही एच न्यू नॉट से फोटोन की एनर्जी ज्यादा हो जाती है इलेक्ट्रॉन का एमिशन होना शुरू होता है। इलेक्ट्रॉन का जब एमिशन होता है उस इलेक्ट्रॉन की एक काइनेटिक एनर्जी होती है, और वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी मैक्स स्क्वेयर। तो अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊं तो मैं कह सकता हूं कि जो फोटोन की एनर्जी है वो दो चीजों में बटती है। पहला, वो वर्क फंक्शन वाली एनर्जी को ओवरकम करने के लिए, और जो बचा हुआ एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन के चले जाता है। Hence, h nu must be equal to phi plus k max. Phi is h nu naught और k max है half m v max square. Hence, h nu is h nu naught plus half m v max square. तो इसको मैं rearrange करूं तो मैं लिख सकता हूं half m v max square, which is the kinetic energy, maximum kinetic energy is h into nu minus nu naught. मतलब वर्क फंक्शन को ओवरकम करके जो बचा हुआ एनर्जी है फोटोन का, वही काइनेटिक एनर्जी बनता है उस फोटोन का, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उस फोटोन का होता है। तो लेट अस नाउ ट्राई टू वेरीफाई व्हाटएवर आवर ऑब्जर्वेशंस वर विथ द इक्वेशन दैट वी जस्ट स्टडीड। सो हमारा पहला ऑब्जर्वेशन था कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड इंटेंसिटी के साथ बढ़ता है। ये ऑब्वियस है क्योंकि आइंस्टाइन की थ्योरी के हिसाब से जितने फोटोन है हर फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है, तो जितने ज्यादा फोटोन है उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। दैट प्रूव्स द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, ये ऑब्जर्वेशन था कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के नीचे एमिशन नहीं होता। अगेन आप इक्वेशन को देखो, अगर न्यू लेस देन न्यू नॉट है तो हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स नेगेटिव है। अब काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव कभी हो नहीं सकता, इसका मतलब ये है कि न्यू लेस देन न्यू नॉट के लिए फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन नहीं हो सकता। तो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन के होने के लिए न्यू हैज टू बी ग्रेटर देन न्यू नॉट, तभी काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगा, और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगा तो ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के मूव करेगा। एंड थर्ड, काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी के साथ बढ़ता है, विच इज वेरी ऑब्वियस, क्योंकि राइट हैंड साइड में आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओ तो लेफ्ट हैंड साइड भी बढ़ेगा, विच मीन्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। देन आइंस्टाइन की इक्वेशन को हम लिख सकते हैं एज ई वी नॉट इज एच न्यू माइनस फाइ नॉट। ई वी नॉट इज नथिंग बट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। हमने पढ़ा है कि द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के वी नॉट इज ई टाइम्स द स्टॉपिंग पोटेंशियल, एंड एच न्यू नॉट इज फाइ नॉट विच इज द वर्क फंक्शन। तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं एज वी नॉट इज एच बाई ई इंटू न्यू माइनस फाइ नॉट बाई ई। ये एक तरीका है इसको लिखने का। तो इसको मैं ग्राफ करूं स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, द ग्राफ इज क्लियरली अ स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप एच बाई ई एंड वाई इंटरसेप्ट माइनस फाइव नॉट बाई ई। और हमने जब ग्राफ्स देखे थे स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी के, वो ग्राफ एंड में कुछ ऐसे ही आए। सो दैट वेरीफाइज दिस ऑब्जर्वेशन एज वेल कि स्टॉपिंग पोटेंशियल लीनियरली इंक्रीज होता है फ्रीक्वेंसी के साथ, बट उसका जो एक्स इंटरसेप्ट है दैट इज पॉजिटिव। So, मिलिकन ने इस फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन को ग्रेट प्रेसिशन के साथ वेरीफाई किया। सो लेट्स नाउ डू अ प्रॉब्लम। अगर हम वेवलेंथ का लाइट कम करें तो वेलोसिटी ऑफ एमिटेड फोटोइलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? विल इट बी जीरो, विल इट बी लेस, विल इट बी मोर, और विल इट रिमेन अनचेंज्ड? सो द आंसर इज दैट द वेलोसिटी वुड इंक्रीज। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका? वेवलेंथ कम करने पे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है, राइट? सो वी नो दैट्स हाउ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर रिलेटेड। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, हेंस काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने पर वेलोसिटी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन विल ऑल्सो इंक्रीज।